मैम बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपके शो के लिए, इमली के लिए, और जिस तरह से आप रोल करती है वो काफ़ी पसंद किया जाता है, क्या कहना चाहिए आपके कैरेक्टर के बारे में? मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि ये पहली बार है जो मैं इस टाइप का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। इसके पहले मैंने सिर्फ लविंग, केयरिंग, पॉजिटिव एंड कंपैशनेट मदर्स का रोल प्ले किया है। मुझे 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, 15 साल से मैं टेलीविज़न कर रही हूँ। ये रोल मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन अभी एक साल हो गया है ये रोल मुझे निभाते हुए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आई बिलीव कि ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं जो भी नुएंसेस, जो भी एक्सप्रेशंस मैं बीच में डालती हूँ डायलॉग्स के साथ, सो इट्स लाइक मैं एंजॉय करती हूँ। इफ़ आई एंजॉय, आई नो जो देख रहा है उन्हें भी एंजॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी। शो नंबर वन है आपका, तो इतना प्यार मिलना दर्शकों से, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रही हूँ कि मैं 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन ये रोल जो मुझे मिला है चैलेंज के साथ में, मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला है दर्शकों का। शुरुआत में ऐसा था कि यू नो हम आपको इस रोल में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोगों ने मुझे ये स्टेटमेंट भेजा था, लेकिन अब सब मुझे कह रहे हैं कि वी लव वॉट एवर यू डू। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनकरेजमेंट मिलती है जब लोग मुझे इस टाइप का फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप बहुत केयरिंग मम्मा है शो में काफ़ी, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? केयरिंग भी हूँ, थोड़ी सी श्रूड भी हूँ, थोड़ी सी सेल्फिश भी हूँ, कह सकते हैं कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। एंड अभी अभी कोटा सीजन 2 भी रिलीज़ हुआ था, जिसमें मैंने सिर्फ केयरिंग मॉम का रोल निभाया है, सो इट्स अ टोटल यू नो कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ व्हाट आई एम प्लेइंग इन इमली, बट आई एम एंजॉयिंग। जो को-स्टार है आपके, जो इमली का किरदार निभाती है, उनके साथ कैसा है आपका एक्सपीरियंस वर्किंग? जो सर है उनके साथ कैसा है? It's nice. I love all my co-actors. It's like a family because it's 1 year since the time we are shooting the show. So it's just like a family. Bombay Times में आया आज fashion week है, तो कैसा क्या क्या करने वाली आज यहाँ पर, मतलब आज छुट्टी का दिन होगा? हाँ हाँ, आज मेरी छुट्टी है, आज इमली में मेरा शूट नहीं है, तो इसलिए मैं आई हूँ। सो आई सेड आई विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। पहले हम यहाँ पर फंक्शन अटेंड करेंगे, देन मे बी वी माइट जस्ट गो फॉर डिनर, सॉरी लंच, एंड उसके बाद में हम मॉल में थोड़ा सा घूमने जाएंगे, थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करेंगे, कुछ अच्छा लगा तो हम कुछ खरीद भी लेंगे। अपने हॉलीडे को मैं पूरे तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। हैप्टिक शेड्यूल रहता है, तो ऐसे समय में मतलब फैशन वीक में आना, तो क्या क्या मतलब आपकी क्या क्या प्रायोरिटी होती है जब आप फैशन वीक ऐसे शो में आते, तो क्या क्या आपका प्रायोरिटी रहता है, क्या क्या देखना रहता है, क्या आपको पसंद रहता है? वॉट एवर इज इन द आई लाइन आई डोंट वॉन्ट टू मिस इट। तो ऐसा देर इज नथिंग इन पर्टिकुलर कि मुझे ये भी देखना है वो भी देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉट एवर इज इन द आई लाइन आई वुड लाइक टू सी इट, नॉट मिस ऑन इट। और तीन चीज़ें जो आपको देखना है फैशन की, अगर हम बात करें क्या आपको ज़्यादा पसंद है? आई लव टू सी क्लोदिंग, एथनिक वेयर, आई लव टू सी क्लोदिंग, आई लव टू सी फुटवेयर, आई लव टू सी हेयर स्टाइल्स, आई लव टू सी एसेसरीज। आखिर में अपने फैन से कुछ कह दीजिए। I love you all and thank you so much for giving me love for this show, and thank you Star Plus for believing that I could be a part of the show and do whatever you've asked me to do. Thank you so much. Thank you.